बिलासपुर में वीरवार रात को वन विभाग व सदर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बिलासपुर शहर की दो पंसारी की दुकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार वन विभाग को एक गुप्त सूचना मिली थी कि शहर की पंसारी व अन्य दुकानों में वन्य प्राणी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित शेड्यूल वन व टू के जानवरों के अंगों से तैयार की गई दवाइयां बेची जा रही हैं। वहीं वन विभाग बिलासपुर के रेंज अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार शहर के मुख्य बस अड्डा के बाहर एक पंसारी की दुकान से हाथी के दांतों का चूर्ण व जानवरों के अंगों से बनी अन्य प्रतिबंधित दवाइयां भारी मात्रा में बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब लाखों रुपए में बताई जा रही है। वहीं रेंज ऑफिसर ने बताया कि संबंधित पंसारी की दुकान से बरामद किए सामान को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, जिसके बाद संबंधित दुकानदार पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि बस अड्डा के पास स्थित पंसारी की दुकान को जांच पूरी करने तक सील कर दिया गया है। वहीं शहर की अन्य दुकानों पर भी छापेमारी के दौरान भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद करीब दो घंटे के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उस दुकान को खुलवाया गया। छापेमारी के दौरान संबंधित दुकानों के पास अन्य व्यापारी व अन्य लोग भारी मात्रा में एकत्रित हो गए, जिस कारण किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी मात्रा में अतिरिक्त पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी। वहीं DFO बिलासपुर सरोज भाई पटेल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। होगा और इसमें कुछ नामी कंपनियां भी जो हैं इन्वॉल्व हैं। तो सर कितनी जगह पे छापे लगे हैं सर? जो जांच के बारे में मैं तो यहाँ पर था और एक जगह और पड़ा है, दो जगह पड़े हैं छापे। सर कितनी जगह पे? दो जगह पर। अच्छा सर, क्या क्या बरामद हुआ अभी तक जो आपको लगा है? इस बारे में नहीं अभी बता पाऊंगा मैं कुछ भी, क्योंकि ये जो है अभी इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें कुछ नहीं बता पाऊंगा। अच्छा सर, तो अच्छा सर अपना नाम बता देंगे आप? मैं निश्चित कुमार मिश्रा हूँ और यहाँ वन परिक्षेत्र अधिकारी हूँ सदर में बिलासपुर में। सर आगे भी इस तरह की मुहिम जारी रहेगी आपकी? मुहिम जो है वो हमारी जारी है और ये भी एक सफलता है आज के लिए। अब आगे क्या होता है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर सूचना मिली है कि हाथी के दांत का चूरा भी मिला है, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी इस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा।